एक ही गुफा के अंदर इस जगह में दो दुनिया है, यह बहुत ही दिलचस्प है। यहां तो कुछ भी नहीं है, इसमें क्या इतना दिलचस्प है? ये चल क्या रहा है? भूकंप तो नहीं है? अरे सब ऐसे क्यों देख रहे हो, इतना डर क्यों रहे हो? वो एक जानवर है। ऐसा वैसा नहीं, बड़ा जानवर। सब लोग ध्यान से। तेजी ला रहे थे ईस्ट एशिया में एक बड़ा सा स्फेयर बनाकर, वहाँ का सारा पैसा हम यूमेटो नेशन को बदलने में लगा रहे थे। तुम ही वो आदमी हो जिन पे मैं सबसे ज्यादा विश्वास करता हूँ। मुझे पता है इस बॉक्स को तुम्हें देकर मैं बेफिक्र रह सकता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम इसे सुरक्षित रखो, समझ गए ना? ठीक है, आप बेफिक्र रहिए जनरल। सब लोग यहां देखो, चीयर्स। बढ़िया। भागो, जब आ रहे हैं। हटो। अरे अरे भागो यहां से। अरे चलो जल्दी चलो, भागो यहां से। अरे तुम क्या कर रहे हो, हटो यहां से, छिप जाओ जल्दी। अरे बाप रे, ये हो क्या रहा है? इल्ला मत। तारो, तुम्हारा भाई दोजो एक पिंप बन गया है। जीरो, क्या तुम मेरे साथ एक ड्रिंक लेना पसंद करोगे? पागल कहीं के? तारो, तुमने यामातो नेशन को शर्मिंदा किया है, तुम समुराय होने के लायक नहीं। अरे तुम तो कुकी परिवार के उत्तराधिकारी हो और मैं बस एक साया बनकर रह गया।
जो अंधेरों में कहीं खो गया। तारो, मैं कुछ भी नहीं रहा, मैं लूजर हूँ। बहुत हुआ तारो, अगर तुम्हें याद होगा तो ये मिशन हमें शहंशाह ने दिया था। ऐसा है तो जापान जाओ, यहाँ रहकर हमारी फैमिली को शर्मिंदा मत करो। जीरो, जीरो, ये तुम्हें किताब की तरह नहीं लग रही? किस बात का शक है तुम्हें? मेरे साथ कुकी तारो, एक इंच भी हिला के दिखाए कोई नहीं छीन सकता। उस बक्से को नीचे रख दो। ये तुम्हें एक किताब की तरह नहीं लग रहा है? इस किताब में हमारे चाइनीज लोगों का ज्ञान दर्ज है और बहुत सारे खजानों के राज छिपे हैं। सिर्फ हमारे जनरल सातो, जो इन चाइनीज कल्चर के माहिर थे, वही इस रहस्य को खोज सकते हैं। हमारी सभ्यता 5000 साल पुरानी है। हमारा विशाल जापानीज राज्य विज्ञान और चिकित्सा के मामले में बहुत ही आगे है। हम चाइना में हमारी ईस्ट एशिया को बढ़ाने के तेजी के बारे में सोच रहे हैं, ताकि सारी दौलत हम योमैतो नेशन को आगे बढ़ाने में लगा दें। अगर कुछ भी गलत हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम होगे, समझ गए ना? किसी को वहां देखने भेजो, तारो को नहीं, जो भी उस बक्से में है उसे। यस सर। तुम सब निकलो। हाँ। तुम यहीं रुको। हाँ। जरा यहां पर आओ, आ जाओ आ जाओ। तुम बताओ। ये हमारे चाइना की अमानत है, तुम इसे नहीं ले सकते। धोखेबाज, जरा भी हिम्मत है तो इसे लेकर बताओ। घबराओ मत, एक धोखेबाज को मारा है मैंने। Hey!
जाना मत। जाओ, अगर तुमने गोली चलाई तो मैं इसे मार दूंगा। क्या लगता है तुम्हें, यहाँ से भाग जाओगे? तुम्हें यही दफन किया जाएगा। अपना मुंह बंद करो, अगर मैं मरी तो तुम्हें मार कर मरूंगी। कुकी जीरो, तुम्हारा भाई अब हमारे कब्जे में है। अगर तुमने एक भी निर्दोष को मारा तो हम इसे तुम्हारे साथ मरने के लिए छोड़ देंगे। इतनी हिम्मत, तुम मुझे धमकी दे रहे हो। तुम्हारे आदमियों से कहो बंदूक नीचे करे, वरना मैं इसका गला काट दूंगा। एक जापानीज राज्य के समुराय के तौर पे तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बंधक बना सकते हो? मुझे नहीं लगता तुम में दम है गोली चलाने का। इन क्रूर जापानियों ने चीन में बहुत आतंक मचाया है। राजा को बचाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। कोई तरीका तो ढूंढना होगा। मास्टर फेंग सही कह रहे हैं। इसे जनरल साटो को मैं खुद दूंगा, वरना इसी से अपनी जान दे दूंगा। काश कि ऐसा ही हो मेरे भाई। मैं कम से कम कुछ तो दूंगा उन्हें, ताकि उन्हें शर्मिंदगी ना महसूस हो। प्लीज।
मैं हमारे सम्राट के प्रति वफादार रहूंगा। तारो, मैं तुम्हारे काम की तारीफ करूंगा सम्राट के सामने। तुम कुकी परिवार का एक होनहार नगीना हो, हमें तुम पर नाज है। जीरो, तुम ये गलत कर रहे हो। ये गलत है। चल क्या रहा है? चलो चलो चल जी अंदर, चलो जल्दी चलो। क्या हुआ, सब ठीक है? तुम ठीक हो ना? ब्रदर यूनिफाई ठीक है। सब ठीक है, ये छोटा सा घाव है, चिंता की कोई बात नहीं है। हमें यहाँ से निकलना होगा, जापानीज आ रहे हैं। चलो। मेरे अंकल कहाँ पर है बताओ ना, मेरे अंकल कहाँ है? वो तुमसे मिले नहीं क्या? वो मास्टर फेंग, क्या हुआ उन्हें? दरअसल वो हमें बचाते हुए। हटो यहाँ से सब लोग। मास्टर फेंग। ये छाता वो मिंग को दे देना। क्या आप हमारे साथ नहीं आओगे? बोलिए। तुम लोग यहाँ से निकलो, मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं, हम साथ में जाएंगे मास्टर फेंग। जल्दी निकलो यहाँ से। मास्टर फेंग, जाओ। चलो, चलो, जल्दी चलो, चलो यहाँ से। चलो, जाओ, चलो यहाँ से, जल्दी। मुझे जाना होगा। बूमिंग, शांत हो जाओ, ये तो ऐसा होगा जैसे बिना मतलब के ही मारे जाना। तुमने उन्हें बचाया क्यों नहीं, बताओ? बूमिंग, मास्टर फेंग ने मुझे ये तुम्हें देने कहा है। मैं जानता हूं तुम्हें कैसा लग रहा होगा। तुम नहीं समझोगे, इस दुनिया में अंकल ही मेरा इकलौता परिवार था, मुझे उनके साथ रहकर लड़ना चाहिए था। उन्हें मार दिया गया, अब मैं उनका बदला लेकर रहूंगा। देखो, हमें भी उतना ही दुख है उन्हें खोने का, और मैं चाहता हूँ तुम अपने आप को संभालो और कुछ बड़ा सोचो। मैं कुकी दारों को नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो, बहुत हो गया। बूमिंग, इस वक्त हमारा एक ही मकसद है, और वो ये है कि जापानियों से वो वापस लेना जो हम चीनियों का है, और इन सबको मैं जापानियों के हाथों कभी मरने नहीं दूंगा, समझे तुम? तो तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूँ? मेरे अंकल को बेरहमी से मार दिया उसने। मेरे भाई, अभी सही वक्त नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम शांत रहो और थोड़ा वक्त जाने दो, हम जरूर मास्टर फेंग की मौत का बदला लेंगे। इस वक्त ताकतें हमारे गुटों को तोड़ रही है और घरों पे कब्जा कर रहे हैं। ये जापानी खूनी खेल खेल रहे हैं और हमारे पुराने अवशेषों को लूट रहे हैं। उनके पाप बहुत ज्यादा है। अगर हमारी पीढ़ी जागृत ना होकर सिर्फ अपने बारे में सोचेगी तो चाइना का कोई भविष्य नहीं बचेगा, और साथ में हमारा भी। इन जापानियों ने हमारे खजाने को लूटा है और हमारे लोगों पर अत्याचार किया है। क्या हम जितने भी यहाँ हैं, उन्हें इन जापानियों से नफरत नहीं है? तुम जो कुकी जीरो को मारने की सोच रहे हो, वो एक बड़े रथ को मार गिराने जैसा है। उसके अलावा हम जो भी करने जा रहे हैं, वो सिर्फ कुकी जीरो को मारने तक सीमित नहीं है।
तुम कुकी जीरो की बंदूक और तोपों का सामना अकेले कैसे करोगे? ये मत भूलना कि तुम अकेले वारिस हो फैंग परिवार के, गुआनशान ताइबोक के एक लौते खून। मुझे लगता है कि ये मास्टर फैंग को पता था और वो हमें बिना वजह मरते हुए नहीं देखना चाहते थे। तुम ये बात खुद सोचो। सब निकलो यहाँ से, जापानी लोग हमें मारने आए हैं। चलो यहाँ से निकले, चलो चलो चलो, चलो जल्दी चलो 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 जल्दी जल्दी करो। चलो चलो चारों ओर ढूंढते रहो। चलो जल्दी जल्दी चलो जल्दी करो जल्दी 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 चलो भागते रहो। चलो 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 रुको मत। पीछे हट जाओ। ये कौन सी जगह है? लगता है ये जापानियों की छोड़ी हुई कोयले की खान है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है और वो लोग हमारे पीछे पड़े हैं। अजीब है, जापानियों ने यहां आने की हिम्मत नहीं की। ये कोयले की खदान शापित है। यहां बहुत सारे चीनी कर्मचारी मारे गए थे। इतने सालों के बाद भी ये वैसे का वैसा ही है। यहां पर कुछ भी नहीं बदला है और मैं ये सोच सकता हूं कि वो लोग यहाँ आने से डर गए हैं। ये जापानी बहुत ही जालिम है और पागल भी। ये जो कंकाल यहाँ है, ये सारे के सारे हमारे देश के लोगों के हैं। चलो चलो चलो। रास्ता ढूंढना मुश्किल है, सब लोग सतर्क रहें। जापानी निंजा, सब लोग संभाल कर। वो लोग अंधेरे में हैं और हम उजाले में हैं। अभी के लिए हम रुक कर देखते हैं क्या होता है और जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। वो मुझे दिख रहे हैं, मैं उन्हें जाकर देखती हूँ। शुइलिंगलो, ये खतरनाक होगा। मैं उसकी मदद करूंगा। तुम ठीक हो ना? घाव ज्यादा गहरा नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चलो चलो।
जल्दी करो। हम यहां थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। ऐसे इस बॉक्स में कौन सा राज छुपा है जो कुकी जीरो इसे लेने के लिए मर रहा है? अब जब ये बक्सा टूट चुका है तो अब हम ये बिल्कुल देख सकते हैं। तो इस खजाने के पीछे आखिर राज क्या है? ठीक है, ये देखो, ये किताब मिस्टर यांगदू की किताब यूजी रेन की रिकॉर्ड है। मुझे कभी नहीं लगा था कि ये जापानियों के हाथ लगेगा। जापानियों को चीनी सभ्यता में हमेशा से रुचि रही है। मिस्टर यांगदू 80वें वंशज है गुई गुजी के, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ये किताब यूशी जिनरे रिकॉर्ड को पूरा करने में लगा दी। मैंने अंकल से सुना था गुई गुजी उस जमाने के बहुत बड़े विद्वान थे। उनके जैसे अंतरिक्ष की जानकारी किसी के पास नहीं थी। गुई गुजी के वारिस थे मिस्टर यांगदू, और उनकी ये अमूल्य किताब पाने के लिए ही जापानी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मालिक, इस किताब में ऐसी क्या बात है? ये यूजी रेन रिकॉर्ड है। मिस्टर यांगदू के ज्ञान का निचोड़ है इसमें। राजनीतिक रणनीतियां और सेना की रणनीतियां इसमें है। राजनीति को चालाकियों से कैसे इस्तेमाल करें ये भी इसमें लिखा है। बड़े ही सरल शब्दों में इसे समझाया गया है। इसे समझना बहुत ही आसान है। वायुमंडल और यात्राओं को भी इसमें समझाया गया है। ये महज एक अफवाह है। भले ही इस किताब में पूरे वायुमंडल के बारे में, पूरी सेनाओं के बारे में, यात्रा और वगैरह के बारे में बताया है, जो दुनिया में सबसे बेहतरीन है। हजारों पाठशालाओं का ज्ञान है इसमें, शायद उससे भी ज्यादा। तो ये किताब इन जापानियों के हाथ कैसे लग गई? मिस्टर योंडू एक पहुंची हुई हस्ती था। उन्होंने कभी जापानियों का साथ नहीं दिया। जापानियों ने हमेशा मिलने आते, मगर वो जापानियों को वापस भेज दिया करते थे। इसलिए गुस्से में जापानियों ने ये किताब उनसे चुरा ली। ये किताब हमने इतनी मेहनत से हासिल की है, तो ये किताब हमें मिस्टर यांगड़ू को वापस देनी चाहिए। उसकी जरूरत नहीं है। मिस्टर यांगड़ू सारी दुनिया घूमते हैं ये मैं जानता हूँ, और उन्हें इस तरह से ढूंढ पाना नामुमकिन है। मैं और यांगड़ू बहुत टाइम से दोस्त रह चुके हैं, और मैंने उनसे सुन रखा है कि इस किताब में एक खजाने का नक्शा है, और अगर किसी के किस्मत में है उस नक्शे को समझना तो ये किताब उसे वो दे देंगे। अगर हम ये रहस्य सुलझाने में सफल हो गए और रेड आईब्रोज के एग्जाम्पल को अगर हमने फॉलो किया, तो जो पैसे हमें मिलेंगे उससे हम लोगों का भला करेंगे। मिस्टर यांगड़ू भी शायद इस बात से राजी होते। तो हमें इस किताब को खोलना चाहिए। लोग दुख और दर्द में डूबे हैं, युद्ध की आग भड़क रही है, हजारों पाठशाला में ये रुक नहीं सकता। ये खजाने का नक्शा है। इस नक्शे को आकार है मगर कोई चित्र नहीं, इसीलिए हम कुछ देख नहीं पा रहे। फेंग परिवार इसका एक वंशज है जो कब्र को खोदने की कला में माहिर है। वो मिंग भाई, जरा ये देखो तो। हरा पहाड़, चांद और तूफानी रास्ता, सूरज के सामने दुख भरे गाने गाते पक्षी, उड़ते हुए झरने से चौंक उठी दुनिया, अजीब से बादल के नीचे कंकाल और उन पर नीला खून। इन सब का क्या मतलब है? हमारे पूर्वजों ने इस कब्र का पता लगा लिया था ज्योतिष विद्या से, लेकिन जो नक्शा यहाँ पर दिया है इसे समझना शायद बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं भी इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। गुनशान ताई बाऊ भी इस राज को हल नहीं कर पाए। अब हम क्या करेंगे? इस कब्र को ढूंढने में कई साल लग गए। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, पर आज अगर अंकल जिंदा होते तो। ये चित्र इतना सरल नहीं है, हमें साथ में मिलकर इसका उपाय निकालना होगा। मुझे यकीन है कि हम इसका हल ढूंढने में जरूर कामयाब होंगे। वो मिंग, तुम अकेले बचे हो अब फेंग के नवे वंशज। अब गुआशान ताई बाओ के वारिस के तौर पर सिर्फ हम दो, चाचा और भतीजा बचे हैं। हमें एक दूसरे को संभालना होगा और इस दुनिया को बदलना होगा, और हम ये कर सकते हैं बच्चे। तुम्हें लालची बिल्कुल नहीं होना है, और ध्यान रखना है कि हमारे वंश का नाम खराब ना हो। मैं वचन देता हूँ ये सारी चीजें याद रखूंगा। सामने जंग है और हमारे हाथ में ताकत बिल्कुल नहीं। चीन की धरती पर हर जगह उथल पुथल मची हुई है। सिर्फ हमारा फेंग परिवार ही इसे बदल सकता है, लेकिन किस्मत में जो लिखा है उसे हम बदल नहीं सकते। अगर हम में से एक भी जिंदा बचा तो हम यही कोशिश करेंगे हमेशा हमेशा। आप ठीक कह रहे हैं अंकल, मगर इस वक्त सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है और साथ ही नामुमकिन। आखिर हम यहाँ से जाएंगे कहाँ? हमारा मुल्क टूट रहा है और यहाँ के जांबाज अभी रो रहे हैं। भविष्य की आशा नहीं, हम कहीं नहीं जा सकते। ये बहुत ही मुश्किल घड़ी है, और वो जालिम लियू यून फेई नागरिकी बल तैयार कर रहा है। बगावत का जवाब देने की तैयारी हर जगह है। क्रांति की आग भी जल रही है जो धरती को जला देगी। क्रांति मतलब क्या? जब हजारों लोग एक साथ मिलकर न्याय की लड़ाई लड़ते हैं तो उसे क्रांति कहा जाता है। लोग खून बहाते हैं, सबका एक ही मकसद होता है, वतन के लिए अपनी जान कुर्बान। यही है क्रांति।
ये कितनी खूबसूरत जगह है। बस इस बात का दुख है कि बस चांद नजर आ रहा है पर तारे नहीं। तुम यहाँ कैसे? क्या तुम मास्टर फेंग के बारे में सोच रहे हो? मेरे परिवार में मैं और अंकल ही बचे हुए थे। उनके आखिरी वक्त में मैं उन्हें देख तक नहीं पाया। उनके आखिरी निशानी के तौर पर बस यही बचा है। उन्हें अपनी जान देनी पड़ी हमारी जान बचाने के लिए, और उसके लिए मैं खुद को दोषी मानती हूँ। वो हालात ही ऐसे थे, अपने आप को दोषी मत मानो। वैसे क्या तुम मुझे इस छतरी के बारे में बताना चाहोगे? हमें तीन खजाने यहाँ से दिए गए थे, आत्मा के लिए सुई, एक दीपक और ये छतरी। उस जमाने में बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थी, परिवार में बहुत मुश्किलें थी। आत्मा निकालने वाली सुई और दीपक खो गए, बस ये छतरी बची है। मेरे अंकल इसे अपने साथ ही रखते थे। इस छतरी के जरिए हम बुराइयों से सुरक्षित रह सकते हैं। मैंने यूनिट से सुना था कि फेंग परिवार पुराना और धार्मिक थी। वो लोग सोने चांदी से लोगों की मदद करते थे, जो एक बेहतरीन कहानी थी। हमारे पूर्वज बहुत दान धर्म किया करते थे, पर कब्र और खजाने की खोज ने सब खत्म कर दिया। अब फेंग परिवार से मैं अकेला बचा हूँ। शायद ऊपर वाला मुझे सजा दे रहा है। नहीं, तुम और मास्टर फेंग दोनों अच्छे इंसान हो, और तुम्हें कुछ अच्छा ही मिलेगा भविष्य में। शुक्रिया। ध्यान से, तुम्हारे पीछे सांप है। मुझे माफ करना, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं चांद के साथ तीन तारे, दीपक की तरह चमकता हुआ चांद, सुंदर है ना? तारों से बना पहाड़ और चमकता चांद, जमीन पर बहुत सारे फूल खिले हैं। लगता है वो कब्र यही कहीं है। मतलब यहाँ कब्र हो सकती है? हाँ, होने ही चाहिए। ये उस किताब में जो लिखा था मुझे पता चल गया। कब्र और खजाने के बारे में जो कविता थी वो एक पहेली है। तो उस पहेली का जवाब क्या है? कविता की शुरुआत एक तस्वीर से होती है, जिसमें पुरानी लिखी हुई लिपि के बारे में बताया गया है। हरा पहाड़, चांद और तूफानी रास्ता, यानी कोई पथरीला रास्ता। सूरज के सामने दुख भरे गाने गाते पक्षी, इसका मतलब दीवार। उड़ते हुए झरने से चौंक उठी दुनिया, यानी कि कुछ छिपा हुआ। अजीब से बादल के नीचे कंकाल और उन पर नीला खो, यानी कि एक गुफा। इन सब का मतलब हुआ एक छिपी हुई पथरीली गुफा। समझे? एक हरा पहाड़, साथ में चांद और तूफानी रास्ता। पंछी दुख भरे गाने गा रहे हैं, सूखी हुई झाड़ी पर बैठकर डूबते हुए सूरज को देखते हुए। ये उड़ता हुआ पानी का फवारा सारी दुनिया को अचंभे में डाल रहा है। ये छुपी हुई कब्र की गुफा है। तो ये है इसका मतलब। इसे पता लगता है कि ये जगह पहाड़ों से घिरी हुई है, जैसे चांद को तारे घेरते हैं, और सूरज और चांद की सारी ताकत उसमें समा जाती है। मतलब कि कोई बड़ी कब्र होनी चाहिए यहाँ। अजीब छुपी हुई गुफा। दोस्तों, तुम्हें नहीं लगता कि ये क्लिफ रिज के बारे में बात कर रहा है? इस खजाने की तस्वीर में जो पहाड़ दिखाया है वो बिल्कुल क्लिफ रिज जैसा दिखता है। मुझे तो लगता है ये क्लिफ रिज ही है। वो क्लिफ रिज शायद उस पहाड़ के पीछे है। लगता है कि वो खजाना उसी अजीब रिज में छुपा हुआ है। इसका मतलब है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। इसलिए इन जापानियों ने यहाँ कोयले की खदान बनाई है। भाइयों, ये सही नहीं है। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है, अगर खजाना उस क्लिफ रिज में होता तो वो जापानियों ने उसे अभी तक ले लिया होगा? नहीं, जापानी यहाँ पर सिर्फ कोयले के संसाधनों को लूटने आए थे, और ऐसी कोई खबर नहीं है कि यहाँ कुछ पुराने अवशेष मिले। मुझे लगता है कि उनको इसकी जानकारी नहीं है। हमारे इन जापानी भाइयों के पास बहुत सारे आँख और कान हैं।
तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि अगर वो लोग इसे खोलना चाहते तो कब का खोल चुके होते। तो जब हमारे पास उस खजाने का ठिकाना है तो आज आराम करके कल निकलेंगे। तो कुछ खा लेते हैं। सब लोग आजा, 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 खाना खाते हैं। चलो ठीक है, शर्माओ मत। तुम जो ये बर्तन लेकर आए हो ना, ये बड़ा ही काम का है। ये खाना भी बना सकता है और बॉम्ब भी रोक सकता है। यहाँ भी पैरों के निशान। इतने बड़े पैर, लगता है यहाँ कोई बहुत ही बड़ा शैतान या जानवर है। ये जगह ऊंचे पहाड़ और गहरी खाई वाली है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि यहाँ शैतान या जानवर हो। ये तो कोई शैतानी जगह सी लग रही है। मिस्टर ली सही थे, ये वाकई एक शैतानी और एक भयानक जगह है। हमें बहुत ही सावधानी से रहना होगा। वोमिंग भाई, हमें आगे कहाँ जाना चाहिए? ओह, ये लो। उत्तर में पहाड़ और दक्षिण में पानी। पहाड़ काफी ऊंचे और खाई गहरी, जगह काफी खतरे वाली। शायद हम उसी जगह पर हैं। लेकिन यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है। ऐसे कैसे यहाँ पर रोड नहीं है? क्या हम गलत रास्ते जा रहे हैं? क्या कोई दूसरा रास्ता हो सकता है? नहीं, यही वो रास्ता है। हे, यहाँ देखो, यहाँ पर एक गुफा है। चलो चले, चलो 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 अंदर। चलो, ये आवाज कैसी थी? जाओ जरा देखो तो। चलो, ये एक प्राचीन कब्र है। क्या इस कब्र में कुछ अवशेष बचे होंगे? कोई शैतान या पक्षी की आवाज नहीं है, पता नहीं क्या हो सकता है। क्या था ये? पीछे हटो। ये क्या अजीब चीज है जो इंसानों को काटता है? ना कभी देखा ना कभी सुना। क्या हम पहले राक्षस से मिले हैं? राक्षस नहीं, शैतान है ये। किमसा, आपने तो बहुत सारी ऐसी चीजें देखी है, ये किस तरह का राक्षस है? मैंने आज तक बहुत सारी चीजें देखी है, मगर मुझे किसी पक्षी या जानवर के बारे में ऐसे पता नहीं। मुझे लगता है मुझे मिस्टर ली को पूछना होगा। मैंने ऐसा दानव कभी नहीं देखा। लगता है मिस्टर किम ने बढ़ा चढ़ाकर चीजें बताई है। क्या फर्क पड़ता है, ये एक दानव है या राक्षस? मुझे दिखा तो मैं इसे गोली मार दूंगा। ये जगह रुकने लायक नहीं है, चलो यहाँ से निकलते हैं जल्दी। हाँ चलो चलो। पीछे हो जाओ, जल्दी जल्दी पीछे। चलो चलो चलो, चलो।
चलो चलो, ताबूत में कुछ नहीं है, तुम सब निकलो यहाँ से, जाओ। अभी दिखाता हूँ बड़े बाल वाले दानव। चलो जल्दी। सब ठीक है? हाँ। ये कैसा दानव है? ये एक इंसानी दानव है, या इस पहाड़ का कोई जंगली शैतान हो सकता है? क्या यहाँ ऐसे और भी राक्षस हो सकते हैं? बताना मुश्किल है, इस जगह में जापानियों की हिम्मत नहीं होती आने की। तुम लोग खुद समझो, तुम क्या कह रहे हो, ये क्या चल रहा है? लगता है हम किसी भूतिया दरवाजे में। तो धरती का नर्क लग रहा है मुझे। अब क्या करें? चलो पहले गुफा के बाहर निकलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो चलो। यूनफी दराटो, इसे मैं देखता हूँ। लगता है इसे आग बहुत पसंद है। ये तो गया काम से। चलो चलो, हम सब प्रवेश की तरफ जाते हैं। चलो चलो। एक ही गुफा के अंदर इस जगह में दो दुनिया है, यह बहुत ही दिलचस्प है। यहां तो कुछ भी नहीं है, इसमें क्या इतना दिलचस्प है? मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। ये चल क्या रहा है? लगता है भूकंप आया था। तुम लोग ऐसे क्यों घूर रहे हो? आखिर हुआ क्या है? वो तो एक जानवर है। हिलना मत। हाँ? ऐसा वैसा नहीं, बड़ा जानवर। डर क्यों रहे हो? अपने पीछे देखो। ये तो एक बहुत बड़ा जानवर है। सब लोग ध्यान से, जल्दी भागो, भागो, चलो हटो हटो। क्या तुम ठीक हो? हाँ ठीक हो। Oh!
क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा बम कहाँ है? हाँ, मेरे पास बम है। भूमिंग भाई, हमें यहाँ से निकलना होगा। उस तरफ चलो। चलो जल्दी जाओ। ये बहुत छोटी जगह है, हम हिल भी नहीं पा रहे हैं। जब ये आदमखोर छिपकली निकल जाएगी, हम निकल जाएंगे। और अगर ये यहां से नहीं गया, हम यहां डर के बैठे नहीं रह सकते। हमें कुछ तो करना होगा। हाँ, ये तो अब तक यही है। रुकना पड़ेगा, बाहर कोई हलचल नहीं है। लगता है वो दानव चला गया। थोड़ा रुक जाओ तुम, थोड़ा रुक कर देखते क्या है। क्या वो अब तक बाहर ही है? मिंग भाई, उठो। यूनिफ भाई, उठो। उठिए। उठो यूनिफ भाई, जल्दी उठो। ये कौन सी जगह है? कहाँ है हम लोग? बहुत ही अजीब जगह है। ये शायद वो रिच की खाई है। क्या तुम्हें लगता है कि वो खजाना यहीं होगा? ये तो जमीन से काफी नीचे होगा, और कितनी बड़ी जगह है। यहाँ इतने नीचे तो छुपना भी मुमकिन नहीं। आप सही कह रहे हैं, ये जगह बिल्कुल उसी जगह जैसी है जो खजाने के नक्शे में थी, और हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो शायद यही जगह है। सब ध्यान रखना। ये तो कोई लाशों द्वारा बनाया गया घना कोहरा लग रहा है। अगर ये हमारी सांस में गया तो हमें भ्रमित कर देगा। ये क्या कोई मकबरे का मायाजाल तो नहीं? चलो देखते हैं, अगर इससे बच गए तो हमें कुछ अच्छा ही हासिल होगा। इससे पहले कि देर हो जाए, हमें वो तहखाना ढूंढना ही पड़ेगा। काश हम उसे ढूंढ पाए, हमारी जान छूटेगी इस नर्क से और कुछ हासिल होगा। अगर वो कब्र यहां हुई तो ये वही जगह है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। वूमी, तुम्हें क्या लगता है? लगता है ये वही तहखाना है। अच्छा है, हमने आखिर में ढूंढ ही लिया जो हजारों साल से गुमशुदा है। जरा इसे देखो तो, ये अगर शहंशाह का नहीं हुआ तो उसके वजीर का जरूर होगा। तुम्हारा कहना है कि खजाना यही है? हो सकता है। ये छुपी हुई महल तो वाकई बहुत ही बेहतरीन है, मगर अफसोस की बात है कि इसकी कोई कीमत नहीं है। पता नहीं किस तरह की अद्भुत जगह है ये।
इसकी जरा बनावटों को तो देखो, काफी पौराणिक लगती है। पता नहीं कौन इस कब्र का मालिक होगा। क्या तुम लोगों ने यहाँ कुछ सुना? क्या इस जगह पर कोई और भी दानव है? बहादुर दुनिया चला सकता है, और जो बुजदिल है वो एक गज भी आगे बढ़ नहीं सकता। डरने की बात नहीं, यहाँ हमारे लिए बहुत सारा खजाना इंतजार कर रहा है यहीं पर। सही कहा, चलो हम अंदर जाएंगे। ये बहुत दिनों से बंद है, और यदि हजारों सालों तक ऐसे ही चल सकते हैं, बहुत ही दिलचस्प बात है। यहाँ ये आग कैसे जल रही है? शायद दरवाजा खोलते ही ये अपने आप जल उठे होंगे। लगता है ये मालिक की कब्र है। इस पत्थर के हिसाब से ये लियू चेंग का छिपा हुआ महल है। वूमिंग भाई, क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं? इस लिखावट के अनुसार 5 वंश और 10 राज्यों के दौरान हान वंश के आखिरी राजा थे लियू चेंग। वो राजा होने के बावजूद अपना राजपाट ठीक से चला नहीं पाते थे। शादीशुदा थे, फिर भी एक फारसी औरत को रखेल के रूप में रखा हुआ था। और जानते हो उसका नाम क्या था? क्या था उसका नाम? नाम था जड़े सुअर। जड़े सुअर? वाह, ये तो बहुत ही अच्छा नाम है। इतिहास तो ये भी दर्ज है कि ये दक्षिणी शहंशाह के 3 शौक थे, शराब, खूबसूरत लड़कियां और किन्नरे। लुई चेंग को लगता था कि उनके मंत्री के पास परिवार था जो उनके बच्चों और पोतों की देखभाल करेंगे, इसीलिए वो मंत्रियों को रखने से पहले ये शंका दूर कर लेते ताकि उनके वंश की देखभाल अच्छी तरह से हो सके 20,000 लोगों के द्वारा। ये शहंशाह तो बड़ा ही अजीब इंसान था। इनके राज के बाद उत्तर राजवंश की स्थापना हुई। लुई की बोलने में होशियार थे, अपने गाने से उन्होंने राजा का दिल जीत लिया। वो राजा थे राजा ताइजोंग। राजा की मौत के बाद लुई की को साउथ यू का राजा बना दिया गया। तो ये कब्र राजा साउथ यू की है? वूमिंग भाई, क्या तुम्हें लगता है कि ये उसी की कब्र होनी चाहिए? मैं यकीन से तो नहीं कह सकता। ठीक है, अब इस कब्र के मालिक के बारे में बात बंद करें। जैसे ही हम अंदर जाएंगे हमें सच का पता चल जाएगा। मालिक की कब्र इस पत्थर के दरवाजे के पीछे की तरफ हो। हो सकता है कि इनकी कब्र 2 घरों में बांट दी गई हो और ये घर उनका यिन वाला घर हो। पर हम ये दरवाजा खोलेंगे कैसे? कोई ना कोई तरीका जरूर होना चाहिए। चलो हम वहां चलते हैं। आठ जंगलों में 4 समुद्र, 4 समुद्र के अंदर अवशेष हैं। वो देखो, वहाँ दरवाजे पर 8 जंगलों का निशान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका मतलब होता है भूत और वर्तमान को जू कहते हैं। सही कहा, ये एक ना खत्म होने वाला समय है। जू एक ना खत्म होने वाला अंतरिक्ष। इस ताले का मतलब है कि एक 8वां ब्रह्मांड है और मुठ से बड़ा कोई नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये दरवाजा खुल सकता है क्या? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बेरहम ताला है, कोई बाहरी इंसान इसे खोल नहीं सकता। लेकिन ये दरवाजा अगर नहीं खुला तो हमारा तो समय ही खराब होगा। ऐसा नहीं है, इसे खोलने का कुछ और उपाय होगा। ली, इसे बॉम्ब से उड़ा दो। मेरे सारे बम पहले ही खत्म हो गए हैं और मुझे नहीं लगता कि हम इसे बम से उड़ा सकते हैं। सही है, ये जगह एक पहाड़ पर बनाई गई है। अगर हम इसे बॉम्ब से उड़ाएंगे तो शायद पूरा पहाड़ ही ढह जाए। क्या हमारे पास कोई और उपाय या तरीका नहीं है? हम सब लोग यहीं मर जाएंगे क्या? मुझे ऐसी अजीब जगह नहीं मरना है। ये तो बस एक पत्थर का दरवाजा है ना, देखने दो। हटो। सुनो, संभाल कर। हम्म।
मोटे, लगता है तुम्हें खाना कम पड़ गया है। फिर से कोशिश करता हूँ। नहीं खुलेगा। अपना हाथ हटाओ। अरे जहरीला धुआं। छुपे हुए औजारों से सावधान। मोटे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हम सबका मरवा ही दिया था तुमने। अरे मुझे क्या पता था कि यहाँ ऐसे हथियार छुपे होंगे। ठीक है, बहस बंद करो। क्या सब ठीक है? मैं ठीक हूँ। उससे पूछो जिसको तीर लगा था। सुनो, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो लगता है हम इस पत्थर के दरवाजे को तोड़ नहीं पाएंगे। हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा, वरना हमें यहाँ मौत का इंतजार करना होगा। हम जहाँ से आए थे वहाँ से अब नहीं जा सकते। अब हमें इस यिन घर के अंदर ही जाना पड़ेगा। लेकिन जब तक दरवाजा खुलेगा नहीं, हम कब्र तक पहुँचेंगे कैसे? मुझे लगता है बोमिंग भाई, ये जो नर और मादा शेर के पुतले हैं, यही इस दरवाजे की चाबी है। तो मैं इसे खोलूं कैसे? शेर ने जन्म दिया यिंगलोंग को, यिंगलोंग ने जियनमा को, जियनमा ने काइलिन को। उससे पैदा हुआ एक कामुक जानवर। काइलिन खुद एक दयालु जानवर है। वो एक ऊंचे खानदान से है और पालतू भी। इन पत्थरों से मैं इतना समझ पाया हूँ कि ये काइलिन पत्थरों की जोड़ी है और इस दरवाजे को खोलने की चाबी भी यही है। क्या? ओह, पता चल गया। हमें इस महल के दरवाजे को खोलने के लिए इन्हें आमने सामने करना होगा। भाई इतना काफी नहीं है क्या? पहले हमारा एक आदमी घायल हो चुका है। क्या तुम्हें यकीन है? पूरा यकीन है। मैंगजी, यहां और मदद करो। अच्छी बात है, किसी के समझ में नहीं आती है। मतलब ये पत्थर का ढांचा ही चाबी है। एक, दो, तीन, घुमाओ। याद रखो सब। पड़ी है, इस तरह से कौन मारा होगा इन्हें? कोई चोर डाकू या लुटेरा होगा। ध्यान रखना, यहां कुछ भी हो सकता है। लगता है हम भी यहीं मरने वाले हैं। मोटे, बकवास बातें मत करो।
पटको मेरे लिए। अरे यहां पर एक और कब्र है, संभल के रहो। कितनी बड़ी कब्र है ये, पता नहीं कौन सा आदमी अंदर सोया हुआ होगा। अजीब सा पैटर्न है, लगता तो कब्र की तरह है। लगता है ये कब्र खाली है, आखिर है क्या ये, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसे खोल कर देखें क्या? ठीक है चलो। इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये क्या बकवास है, चलो। बेकार कब्र, कुछ भी नहीं मिला। वोमिंग भाई, क्या ये सही जगह है? इन रोशनियों को देखो, ये साधारण तो नहीं लग रही, ये बिल्कुल सही जगह है। वो वहां क्या रखा हुआ है? ये तो एक नर्क की तरह लग रहा है। नीचे देखकर चलना। वोमिंग भाई, यही वो जगह है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। हो सकता है। देख रहे हो, ये लोहे की दीवारें हैं जिन पर हजारों साल पुराने दिए रखे हैं। ये सालों से दिन रात जल रहे हैं। जो खजाना हमें चाहिए वो यही होगा। वहां देखो, वहां वहां मिल गया। अब अमीर हो गए, हम अमीर हो गए। ठीक है, मिल गया हमें। कितने सारे आभूषण और सामान, क्या मजेदार यात्रा साबित हुई। ये तो सच में मजेदार है, बढ़िया। भाई लोग देखो इस खजाने को, वैसे हम इसे बाहर कैसे ले जाएंगे। इस लटके हुए ताबूत को देखकर लगता है जिसे लोहे की जंजीरों से बांधकर लटकाया हुआ है। क्या ये घर अमर होने वाली जगह है? जल्दी सब वापस रख दो, जल्दी। इन लोहे की दीवारों के पीछे कुछ छिपा हो सकता है। क्या यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है? इस कब्र में जरूर पानी और रेत होगी, तीर कमान, आग और धुआं भी। हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। बूमिंग भाई जो कह रहे हैं वो सही है, हमें बहुत ध्यान रखना होगा। यहाँ का सारा खजाना उठाओ और बाहर जाने का रास्ता ढूंढो। नहीं, भूतिया आग। यहाँ पर भूतिया आग है, अगर इन्हें छुआ तो तुरंत जल जाओगे। इसे दूर ही रहना।
ये देख रहे हो, इसमें एक पौराणिक कुआ है, इसे गुइंगी कुआ कहते हैं। गुइंगी कुआ? कहते हैं गुइंगो अपने आखिरी दिनों में यहाँ आए थे, उनकी माँ की याद में। जहाँ 9 ड्रैगन होते हैं वहाँ उन्होंने कुआ खोदा, उसे नाम दिया गुइंगो कुआ, जो आसमान और जमीन के बारे में बताता है। पानी ऊपर आता है तो मतलब बारिश होने वाली है, और पानी के नीचे जाने का मतलब है आसमान साफ है। ये कुआ बहुत ही शानदार है। इस कुएं में तो पानी भी है। उसे छूना मत। सब लोग संभाल कर। ये शहंशाह की प्यारी पत्नी होगी, जाड़ोस्वार। हाँ, जाड़ोस्वार। नहीं, लगता है कब्र का मालिक जाग गया है। अब हम यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकते। क्या, हमने इतनी मेहनत की यहाँ आने के लिए, और अभी तुम्हें नहीं चाहिए? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेना हो या ना हो, हम लेकर ही जाएंगे। सही कहा, हमें निकलना चाहिए, वरना यहाँ से कोई नहीं निकल पाएगा। हम बाहर कैसे जाएंगे? बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये कुआ, ये जो इस कब्र के नीचे है ना, यहीं से बाहर जा सकते हैं। ये कुआ, क्या तुम्हें यकीन है? 9 ड्रैगन वाली जगह पर कुआं बना है, और कुएं का पानी नीचे की नदी से आता है। नदी मतलब बहता पानी, मतलब यहाँ से जा सकते हैं। मतलब ये अंदर से कनेक्टेड है, मतलब कुएं से बाहर निकलना नामुमकिन नहीं है। इसका मतलब है हम ये खजाना बाहर लेके जा सकते हैं, है ना? चलो चलो चलो, चलो। कोई भी यहाँ से कुछ नहीं ले जाएगा। जा जा जा। वोमिंग भाई, देखो, हम यहाँ बहुत मुश्किलों का सामना करके पहुँचे हैं, और खजाना भी सामने पड़ा है, और तुम कह रहे हो हम इसे हटा नहीं सकते, और हमारे भाइयों ने जो मेहनत की है उसका क्या वोमिंग भाई? देख मेरे भाई, ये बड़ी अजीबोगरीब कब्र है, मुझे यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा। देखो वोमिंग भाई, ध्यान से सुनो, हम सारा नहीं ले जाएंगे, हम थोड़ा सा लेके तुरंत निकल जाएंगे। ये कब्र अमर होने का घर है, ये कुआ रास्ता दिखाता है यिन और यांग को। इस पौराणिक लाश ने इस घर को संभाला है हजारों सालों से, इसलिए ये ऐसी ही है, पर अब कुछ अलग लग रहा है, लगता है इसमें बदलाव आ जाएगा। ये जो है उतना काफी नहीं है, लेते हैं और चलते हैं। हाँ, अरे ये मोती बहुत पैसा देगा, मैं अमीर हो जाऊंगा। रुको, इसे हाथ मत लगाओ। ए, तुम क्या कर रहे हो? रुको, लड़ना चाहते हो क्या? क्या कर रहे हो, झगड़ा मत करो। हम इसे छू भी नहीं सकते, अगर ऐसा किया तो नतीजा भयानक होगा। खत्म करो बात को, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, ये बस एक लड़की की लाश है, ये मुझे कुछ नहीं कर सकती। मुझे तो लगता है कि तुम हमें इसलिए यहाँ से भगाना चाहते हो ताकि तुम सारा खजाना खुद ले जाओ। गलत हो तुम। वोमिंग भाई, हम आपस में इस तरह से लड़ नहीं सकते। तुम देख सकते हो कि इस लड़की की लाश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये जो आभूषण इसने पहने हुए हैं, ये हम हमारे लिए नहीं ले रहे हैं, बल्कि हमारी सेना के बल को बढ़ाने के लिए ले रहे हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ मेरे भाई? हाँ, तुम चलो भाई, चलो यहाँ से। भाई पहले तुम शांत रहो, हम यहाँ क्यों आए? इसी खजाने के लिए आए थे ना? अब सबसे जरूरी है कि हम अस्थियों के सामान को बाहर निकालें और हमारे लोगों को इस आग से बचाएं। हमें इसमें देर नहीं करनी चाहिए। पर हम ये नहीं ले सकते। मैं जानता हूँ तुम हमारी भलाई के बारे में सोच रहे हो, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तुम्हारे इस ज्ञान का, जिसकी वजह से हम ये खजाने तक पहुँचे। मगर जब से ये मिला है तब से क्या हो गया? यूनिफाइड, ठीक तो? हमें तुम्हारी अभी जरूरत नहीं है। कि भाई तुम
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर गोली चलाने की? लोग पैसों के लिए मारे जाते हैं और पंछी खाने के लिए। मैं जियांगो में आयन अबैकस के नाम से जाना जाता हूँ। मैं सौदा ऐसा नहीं करता जिसमें नुकसान हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्रांति के लिए पैसा जमा कर रहा हूँ? हम सब ने कसम ली थी कि सोने और आभूषण से हम हमारी सैन्य ताकत बढ़ाएंगे और हमारी जनता और देश को बचाएंगे। हम ये अपने तक कैसे रख सकते हैं? वक्त एक घूमता हुआ पहिया है और बंदूक उसकी ताकत है। मेरे पूरे परिवार ने बहुत सारे पैसे और मेहनत की है इस क्रांति के लिए, और अब मैं अपनी कुछ चीजें वापस ले रहा हूँ, तो इसमें बुरा क्या है बताइए? तुम्हारे परिवार ने बहुत मदद की है, उसमें कोई शक नहीं, मगर हम सिर्फ हमारे बारे में सोचे ये कैसे हो सकता है जबकि हमारा देश और हमारी आबरू दांव पर लगी हुई है। तुमने फेंग फैमिली की मदद ली खजाना ढूंढने में, और जब ये तुम्हारे हाथ आएगा तो मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा। मैं किम वुहान तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया था, आखिर में मुझे क्या मिला? मुझे फेंग नैनतियन की तरह नहीं बनना जिसने आदमी और पैसा दोनों गवा दिया। वोमिंग भाई, ये यूनफी तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तुम जरा गौर से सोचो और इसके जाल में मत फंसना। तुम एक नंबर के कमीने इंसान हो। ये क्या कर रहे हो? हिलो मत, मेरा निशाना एकदम सटीक है। गन्स नीचे करो। यूनफी, तुम अपने भाई को धोखा दोगे? वोमिंग, यूनफी कुमारी, मुझे माफ कर दो दोस्तों, लगता है आज हम यहीं मरने वाले हैं। कैसी बातें कर रहे हैं भाई, हम लोग मिलकर लड़ेंगे। लाश खुद को बदल रही है, यह भ्रम है, निकलो। वाह, ये तो बहुत बड़ा है। चला, मैं मरने तक लड़ूंगा, जाओ भागो। जो मुझे सही लग रहा है, मुझे रोकना मत। ये सब मेरा है, नीचे रख। टूट रही है, हमें निकलना चाहिए। भाई यूनफाई, हम साथ में बाहर जाएंगे। ये जो कुछ भी हो रहा है उससे अच्छा तो मरना बेहतर है। मैं लू यिनफे जिंदा रहकर खुश नहीं हूँ। वोमिंग भाई, कुमारा शुई, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। आशा करता हूँ कि आने वाली पीढ़ी का कोई भविष्य हो। तुम हमारे साथ आ रहे हो। हम साथ में बाहर जाएंगे। अगर मैं यहाँ से निकल भी पाया तो मैं चाइना से नहीं निकल पाऊंगा। मेरे होने का क्या मतलब है अगर मैं खुद अपने देश को बचा ना पाऊं तो? मेरे भाई याद रखना, जहां चाहा वहां रहा। यूनिफाई, हम लोग एक एक कर बाहर जाएंगे।
दिख बता तुम। जाओ, पर याद रखना, जो रास्ता मैं तय नहीं कर पाया उसे मैं खत्म करूंगा। जाओ जाओ जाओ। ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। चलो। की जीरो, हमने सारा पहाड़ छान मारा, अब जाके तुम मिले हो, यही हमारी तकदीर है। अच्छी बात है। क्या चाहिए तुम्हें? तुम लोगों को देख के लगता है तुम्हें उस किताब के खजाने का पता चल गया होगा। मुझे भी ले चलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। भूल जाओ, वो हमारे पूर्वज रख कर गए हैं, उसे तुम जापानियों को क्यों दे? मेरी बात ना मानने की सजा, भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। खजाने वाली गुफा अब ढह गई है, हमारे पास उससे भी बेहतर खजाना है, वो मैं तुम्हें दे दूंगी अगर तुम हमें जाने दोगे। अच्छा तो चलो दो मुझे। मेरी बात सुनो, गुनशान की टेक्निक खोनी नहीं चाहिए। फेंग परिवार बिना वारिस के बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मेरी जिंदगी ऐसे मरने के लिए नहीं है, मौके का फायदा उठाओ और जाओ। क्या खुसुर फुसुर चल रही है, कोई भी चालाकी नहीं। नहीं, वो मिंग भाई अब जाओ। नहीं, हम साथ भी जाएंगे। साथ खेल खेलने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या तुम ठीक हो? हाँ।
फेंग वोमिंग और शुई लिंग लिंग इस आपदा से बच गए, पर इस घटना को कभी भूल नहीं पाए। जो भाग्य बहुत सारा पैसे दे रहा था, वो लोगों को आग से बचा नहीं पाया। ये तभी मुमकिन है जब सारे चीनी बेटे और बेटियां साथ आएंगे और इसे सुधारने की सोचेंगे, ताकि वो बाहरी ताकतों से अपने आप को बचा पाए। लुई येनफेई अपने विरासत को छोड़कर अपने आप को क्रांति के लिए समर्पित कर गए। बहुत सालों बाद वो क्रांति की आग चीन की धरती में फलने फूलने लगी और एक प्रेरी फोर्स बन गई, जिसने पुरानी सभ्यता को बदल दिया।